हमारे विरोध में जो हमारे विरोधी वो खड़े हुए थे। खबर गोंडा से है, जहां मुजैना ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख चुनाव में बीजेपी ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए जीत का परचम लहराया है। बीजेपी की अधिकृत प्रत्याशी कुसुमा देवी ब्लॉक प्रमुख चुनाव में विजयी रहीं और उन्होंने बीजेपी से बगावत कर कैसरगंज सांसद के समर्थन से चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी अपने निकटतम प्रतिद्वंदी श्याम बाबू कौशल को 3 मतों से हरा दिया। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में पड़े कुल 102 मतों में से कुसुमा को 52 मत मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंदी श्याम बाबू को 49 मतों से संतोष करना पड़ा। एक वोट अवैध घोषित किया गया। कुसुमा की जीत का ऐलान होते हुए बीजेपी कार्यकर्ता जश्न में डूब गए और सड़क पर उतरकर कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। गोंडा सांसद कीर्तिवर्धन सिंह व बीजेपी जिलाध्यक्ष अमर किशोर बम्बम ने इस जीत को ऐतिहासिक करार देते हुए कहा कि ये पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है। मुजैना में ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर पूरे दिन गहमा गहमी गर्मी रही। हालांकि जिला प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे और पूरे ब्लॉक परिसर पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था। जिलाधिकारी डॉक्टर उज्जवल कुमार और पुलिस अधीक्षक संतोष मिश्रा पूरे दिन मौके पर डटे रहे। हम कैसे मान लें कि हमारे पार्टी के लोग खड़े हो गए थे, ये आपको जानकारी होगी। मुझे जानकारी नहीं कि हमारे पार्टी के लोग खड़े हुए थे। हमारे विरोध में जो हमारे विरोधी वो खड़े हुए थे। भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट घोषित किया था और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने, सांसद जी ने, विधायक जी ने और सारे हमारे पदाधिकारियों ने मिल करके अपने कैंडिडेट को जिताया। इसके लिए शीर्ष नेतृत्व को, प्रदेश नेतृत्व को, क्षेत्र नेतृत्व को मैं धन्यवाद देता हूँ। अपने सारे कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने अपना तन मन धन लगा के अपने एक छोटे से कार्यकर्ता को, एक गरीब कार्यकर्ता को जो बहुत ही गरीब है उसको जिताया है। इसके लिए मैं पूरे कार्यकर्ता को धन्यवाद देता हूँ। नहीं, जिस तरीके से पार्टी की महिला उपाध्यक्ष भी है, महिला मोर्चा की, जिस तरीके से एक खेमा में आप लोगों का था, एक और सांसद का, अरे यार नहीं, ये आपका कहना बिल्कुल गलत है। जो खेमा होगा वो होगा, वो निर्दलीय लड़ रहे थे, वो सांसद ही लड़ रहे थे। कौन लड़ रहा था ये मुझे जानकारी नहीं है। मेरे पास समर्थन था, मेरे पास क्षेत्र नेतृत्व ने मेरे कैंडिडेट को घोषित किया था, मैंने उनको लड़ाया था, मेरे कार्यकर्ताओं ने उनको। मुजैना के ब्लॉक प्रमुख चुनाव में बीजेपी ने पार्टी के महिला मोर्चा की मंडल उपाध्यक्ष कुसुमा देवी को अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया था। कुसुमा के समर्थन में गोंडा सांसद कीर्तिवर्धन सिंह व मैनोन विधायक विनय कुमार द्विवेदी के साथ पूरा बीजेपी संगठन था, जबकि कैसरगंज सांसद बृजभूषण शरण सिंह पार्टी से बगावत कर चुनाव मैदान में उतरे श्याम बाबू कौशल का समर्थन कर रहे थे। पार्टी में ही मचे घमासान को लेकर चुनाव के दौरान काफ़ी गहमा गहमी रही। पार्टी नेताओं के आपसी वर्चस्व को देखते हुए न सिर्फ कार्यकर्ता असमंजस में थे, बल्कि प्रशासन भी काफ़ी सहमा हुआ नजर आया। किसी अनहोनी की आशंका को देखते हुए पूरे धानेपुर कस्बे को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया तथा ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए कुल 102 बीडीसी सदस्यों ने मतदान किया। इनमें से 52 मत पाकर कुसुमा देवी ब्लॉक प्रमुख निर्वाचित हुई, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी श्याम बाबू कौशल को 49 मतों से संतोष करना पड़ा। मतगणना के दौरान 1 मत को अवैध घोषित किया गया। वहीं कुसुमा की जीत पर बीजेपी सांसद कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि यह जीत बीजेपी संगठन और पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है। कैसरगंज सांसद बृजभूषण शरण सिंह के बगावत के सवाल पर कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा, जो काम संगठन ने सौंपा था उन्होंने पूरा किया। कौन विरोध कर रहा है, कौन समर्थन कर रहा है, ये देखना उनका काम नहीं है, ये संगठन अपने स्तर से देखेगा। वहीं बीजेपी के जिला अध्यक्ष अमर किशोर कश्यप और बम्बम ने इसे ऐतिहासिक जीत बताते हुए कहा कि ये कार्यकर्ताओं का अथक मेहनत का परिणाम है। कार्यकर्ताओं ने तन मन धन के साथ इस चुनाव में मेहनत की, जिसकी बदौलत पार्टी को ये जीत हासिल हुई। हम केवल एक चीज मानते हैं कि जहाँ संगठन है वही पार्टी है, वही संगठन से ही पार्टी होती है और आज संगठन हमारा मजबूत हुआ है और हमारी पार्टी मजबूत हुई। कितने वोटों से जीत हुई आपकी? ऊपर 3 वोट। क्या जो बागी लोग खड़े हुए थे उनके लिए पार्टी क्या करेगी? देखिए, कौन क्या करेगा ये हमारा विषय नहीं है।
हम लोगों को जो करना है वो मैं अच्छी तरह जानता हूँ। शुरू से हम लोगों ने कार्यकर्ताओं को लेकर, संगठन को लेकर उनको आगे बढ़ाने का काम किया गया है, उनको मजबूत करने का काम किया गया है, क्योंकि बिना हमारा कार्यकर्ता जब तक नहीं मजबूत होगा तब तक हम लोग कहीं आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ये हमारा भी मानना है, पार्टी का भी मानना है, उसी सिद्धांत में हम लोग चलना और हमेशा चलेंगे। तो क्या आने वाले दिन में भाजपा दोफाड़ हो जाएगी? देखिए, हम अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मानते हैं, हैं और रहेंगे। औरों की क्या सोचे उसके बारे में मैं कोई गारंटी नहीं चाहता।